हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 मार्च, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि आज पंचमी है। और दोस्तों, होली के बाद जो ये चैत्र महीना कृष्ण पक्ष की पंचमी आती है ना, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने होली खेली थी, इसीलिए आज के दिन एक दूसरे को गुलाल भी लगाते हैं और राधा कृष्ण की पूजा भी की जाती है। इसे रंग पंचमी कहा जाता है ना। और चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर, पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री बोले, आज बजट का वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और के कौशल को समर्पित है। और इस दौरान पीएम मोदी ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री बोले कि पीएम विश्वकर्मा योजना से करोड़ों लोगों को मदद मिलेगी। कारीगरों और छोटे कारोबारियों को बड़ा उद्यमी बनाना ही सरकार का उद्देश्य है। अच्छा, वैसे आज देश को एक और बड़ा हाईटेक एक्सप्रेस वे मिलने जा रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका लोकार्पण करेंगे और इस एक्सप्रेस वे के जरिए 3 घंटे का सफर अब आप मात्र 75 मिनट में पूरा कर पाएंगे। आज 12 मार्च को पीएम मोदी कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले से बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। और तो हमारे देश में बड़ा ही तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है नेशनल हाईवेज का और बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का। देखिए कुछ और अपडेट है, आप जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे भी खुल जाएगा जिसमें 12 जिले कवर होंगे। महज 8 घंटे में तय होगा दिल्ली से प्रयागराज तक का सफर। इस गंगा एक्सप्रेसवे को गंगा नदी के समानांतर बनाया जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के 12 जिले जुड़ेंगे और इससे उत्तराखंड और दिल्ली जैसे आसपास के राज्यों के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक और नया शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। 21 घंटे का सफर 8 घंटे में तय हो सकेगा। ये भी 11 जिलों को जोड़ेगा। ये महाराष्ट्र के नागपुर और गोवा राज्य के बीच बनाया जा रहा, जल्द ही इसका भी उद्घाटन किया जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे 3 देवी स्थलों से गुजरेगा और इसीलिए इसे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे नाम दिया गया। और आपको पता होगा, इससे पहले हाल ही में कुछ दिनों पहले भी देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, देश में एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट तो वाकई में बड़ा तेजी से चल रहा है। और इसीलिए जो देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं ना कि जल्द ही भारत में भी अमेरिका जैसी सड़कें देखने को मिलेगी, ये सपना सच होगा। वैसे हमारी इंडियन रेलवे ने भी एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। सेंट्रल रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट ज्यादातर रेलवे अब इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित हो गई है। मतलब इंजन की बजाय आजकल की रेलें विद्युत से इलेक्ट्रिक बिजली से चलने लग गई है। तो रेलवे के इस अचीवमेंट पर भी पीएम मोदी ने बधाई दी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप बनाने पर एक समझौता करार हुआ है जिससे हमारे देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सस्ते होंगे कंप्यूटर और मोबाइल। हालांकि अभी इस सेमीकंडक्टर चिप के लिए भारत और अमेरिका खुद भी दूसरे देशों पर निर्भर है जैसे चीन वगैरह पर, लेकिन जल्द ही भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप बनने लग जाएगी। भारत अमेरिका के बीच भी इसको लेकर समझौता हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, फरवरी महीने में पिछले महीने पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 11% बढ़ी। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1,02,000 गाड़ियां बेची। टू व्हीलर की बिक्री में भी 8% ग्रोथ हुई। हरा और बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल आंदोलन करने जा रही है 13 मार्च को। कल बेरोजगारी व महंगाई के मुद्दे पर घेराव होगा केंद्र सरकार का। उत्तर प्रदेश राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इनका कहना कि ये राजभवन तक कूच कर सरकार का चेहरा बेनकाब करेंगे। अच्छा बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले, भारत ने कोरोना महामारी के दौरान की थी 150 देशों की मदद, दवाइयां भी भेजी थी। वैसे आपको पता होगा आजकल हमारे देश में H3N2 के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने बैठक भी की और सभी राज्यों को कुछ निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को इससे तुरंत निपटने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के मामलों के रूप में पेश होने वाले श्वसन संबंधित रोगों की एकीकृत निगरानी करने के भी दिशा निर्देश दिए। सभी राज्यों में हॉस्पिटल में इस तरह के नियमों का पालन कराया जाए, ये कहना है केंद्र सरकार का। वैसे अभी हमारे देश में दोस्तों इस H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है कर्नाटक और हरियाणा में। और अभी तक देश में कुल इस वायरस के इन्फेक्शन के 3,038 मामले सामने आ चुके हैं। 90 से ज्यादा तो अभी भी सक्रिय मामले हैं। नीति आयोग की बैठक हुई इस मामलों को लेकर। मध्य प्रदेश में भी देखिए H3N2 वायरस जैसे लक्षणों के मरीज बढ़ने लगे हैं। भोपाल में सर्दी खांसी और फ्लू के 310 से ज्यादा पेशेंट हैं। एक्सपर्ट बोले सतर्कता जरूरी है। हरियाणा में भी इस वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले कि अभी तक 10 मामले रिपोर्ट में आए हैं जिनमें मरीज की मौत इन्फ्लुएंजा से नहीं बल्कि कैंसर से हुई, ये भी हरियाणा सरकार का कहना है। वहीं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी इस H3N2 को लेकर अलर्ट जारी किए और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा लोगों से कि भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और वापस मास्क भी लगाएं, क्योंकि कोरोना के बाद अब इस नए वायरस ने दहशत फैला रखी है। हालांकि इस पर एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि अगले 15 दिन में इस H3N2 के मामले यानी कि केस कम होने लगेंगे, क्योंकि देश के एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों का यह मानना है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही ये वायरस का असर कम हो जाएगा। हालांकि अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे इस वायरस के क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है, बचाव के क्या उपाय है और ये वायरस अभी किन किन राज्यों में ज्यादा कहर बरपा रखा, तो इसको लेकर कंप्लीट जानकारी मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो में डाल रखी है, तो आप चाहे तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सावधान तो रहना ही है, अलर्ट रहें, मास्क लगाएं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इस गर्मियों के सीजन में आपको केमिकल से पके आमों से छुटकारा मिलने वाला है। अब मसाला लगाकर नहीं पका सकेंगे आम। सरकार की तरफ से फल बेचने वाले व्यापारियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। कह सकते हैं कि नए नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल जब भी गर्मी का मौसम आता ना, तो कच्चे आमों को जल्दी से जल्दी बाजारों में पहुंचाने के लिए, उनको पकाने के लिए उन पर केमिकल
केमिकल लगाते हैं ये, तो इन आमों में स्वाद तो नहीं होता है लेकिन केमिकल की वजह से ये जल्दी पक जाते हैं। ऐसे में अब इसको लेकर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया और ये जो आम पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ना व्यापारी जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, इसके इस्तेमाल पर FSSAI ने प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि अब फल कारोबारी इस केमिकल का इस्तेमाल करके फलों को नहीं पका पाएंगे, खास करके आम को। हालांकि FSSAI ने इसका अल्टरनेट बताया कि आम को पकाने के लिए आप ये कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स वगैरह का यूज करें लेकिन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे एक घातक गैस निकलती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई परेशानियां आ सकती है। तो इस तरह से इस बार आपको मार्केट में इस केमिकल से पके हुए आम नहीं देखने मिलेंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, आवारा गायों से मिलेगा छुटकारा, गौशालाएं कर पाएंगे नए बिजनेस। नीति आयोग की तरफ से इस तरह का भी एक नया प्लान बनाया गया है और इसका फायदा किसानों और खेती बाड़ी को तो होगा ही, साथ ही आवारा पशुओं की भी दिक्कत दूर हो जाएगी जो खास करके किसान भाई लोगों की समस्या होती है। अब सरकार ये प्लान बना रही दोस्तों कि गौशालाओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाए और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इसको लेकर नीति आयोग के दर्पण पोर्टल की तरह एक नया पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, तो जल्द ही किसानों भाई लोगों को आवारा गायों से छुटकारा मिलेगा और नई गौशालाएं खोलने के लिए रियायती ब्याज दरों पर फाइनेंस लोन वगैरह भी मिल जाएगा इस पोर्टल के जरिए। इस तरह से लोग बाग गौशालाओं का बिजनेस भी कर पाएंगे, ये मतलब केंद्र सरकार का नया प्लान है किसानों के लिए, है ना। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार का लालू यादव का परिवार एक बार फिर से 600 करोड़ के घोटाले में फंसा। लैंड फॉर जॉब्स केस में यानी कि जमीन के बदले नौकरी का जो मामला था उसमें अब तेजस्वी को CBI का समन मिला, ईडी को 1 करोड़ रुपए कैश भी मिले। अच्छा वही खबर है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी से भी ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता को 16 मार्च को फिर बुलाया गया और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी का जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ, विजिलेंस ने नोटिस जारी किया, अब वे विदेश नहीं जा पाएंगे। चन्नी बोले कि मैंने अपनी टिकट भी कैंसिल करा दी, अगर मैं विदेश गया तो बोलेंगे भाग गया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग। चुनाव आयोग की तरफ से वोट फ्रॉम होम की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया, मतलब जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम होता है ना उस तरह से इस बार वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी और कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव से ही ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। बुजुर्ग और दिव्यांग अब घर बैठे मतदान कर पाएंगे और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी बाकायदा, जिसकी जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को दी जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना। वैसे आपको बता दूं कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का यह कहना है। और इस बार 3 राज्यों में भाजपा के लिए चुनावी समीकरण भी कुछ ठीक नहीं बैठ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट छा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की 80 सीटें पक्की हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में सीएम फेस नहीं है और कर्नाटक जीत पाना काफी मुश्किल है, बाकी ये तो वक्त ही बताएगा आगे। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, यूरोप जा रहे 1300 प्रवासी समुद्र में फंसे, इन्हें बचाने के लिए इटली ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया, कल ही 14 लोगों की मौत भी हो गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपना देश छोड़कर यूरोप पहुंचने के लिए रिफ्यूजी लगातार अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं और एक बार फिर से 1300 लोग इटली के कैलेब्रिया रीजन में फंसे हुए हैं। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी दी गई है, अब हर महीने मुफ्त मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। दरअसल महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त फोर्टिफाइड चावल मुहैया कराने की तैयारी कर ली है। फोर्टिफाइड मतलब ऐसे न्यूट्रिशंस युक्त चावल दिए जाएंगे जिनसे कि पोषण मिल सके बच्चों महिलाओं वगैरह को, स्पेशली जिनमें आपको आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिल सकेगा। हालांकि इन चावल का स्वाद बिल्कुल साधारण चावल जैसा ही होगा, साथ ही पकाने का तरीका भी सेम है लेकिन इनमें पोषण तत्व ज्यादा होते हैं। तो जल्द ही अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अंत्योदय योजना के तहत गेहूं के अलावा फोर्टिफाइड चावल भी मुहैया कराए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, समलैंगिक शादियों को मिलेगी कानूनी मान्यता या नहीं, कल सोमवार को इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, देखते हैं क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट इसी चैनल DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, इस साल हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया, अब 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे हज यात्रा के लिए। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा निर्देश के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये लास्ट डेट बढ़ा दी है 20 मार्च तक, है ना। अच्छा वही बड़ी खबर आया, नासा इसरो का सैटेलाइट अगले साल लॉन्च होगा, निशान से आपदाओं की सूचना पहले मिल सकेगी, सीमा पर चौकसी में भी मदद मिलेगी इस सैटेलाइट से। बड़ी खबर देखिए, नीति आयोग ने गौमूत्र और गोबर पर एक नई रिपोर्ट जारी की और कहा कि खेती के लिए इस्तेमाल किया जाए इन चीजों को क्योंकि केमिकल खाद इंसानी सेहत के लिए काफी खतरनाक है और इसलिए ऑर्गेनिक खेती के लिए पशुओं के गौमूत्र गोबर वगैरह को इकट्ठा करके खेतों में डाला जाए खाद की जगह पर। अच्छा वही देखिए, पंजाब में फिर उठी अफीम की खेती की डिमांड, सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने आम आदमी पार्टी सरकार से इस पर विचार करने को कहा और बोले कि इससे पंजाब का रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, रविवार से 50 दिनों तक बंद रहेगा दिल्ली में चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है, मरम्मत कार्यों के चलते ये अगले 50 दिन बंद किया गया। बड़ी खबर आ रही, मोटे अनाज का विश्व गुरु बन सकता हमारा भारत और इसको लेकर राजधानी दिल्ली में इसी साल 3 से 5 नवंबर तक वर्ल्ड फूड
इंडिया का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर है दोस्तों, रक्षा बलों ने ध्रुव हेलीकॉप्टरों के संचालन पर रोक लगा दी है। आपात लैंडिंग के बाद यह फैसला लिया गया। अच्छा वही देखिए, असम राज्य में सूअरों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया। एवियन इन्फ्लुएंजा और अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के डर के चलते यह बड़ा कदम उठाया गया। एवियन इन्फ्लुएंजा जो H5N1 की वायरस के द्वारा अत्यधिक संक्रामक बीमारी जो सूअरों में फैल रही है, इसके चलते अब असम सरकार ने पोल्ट्री के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अन्य राज्यों से मतलब बाहर से पोल्ट्री और सूअर नहीं ला पाएंगे असम में, है ना। इसके अलावा असम सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। देखिए आप, सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगवाना अनिवार्य करेगी असम राज्य सरकार, और इस संबंध में नया कानून बनाने के लिए विधानसभा में बिल भी पेश कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों का मतलब समझ गए ना आप, जैसे रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एनी अदर और कोई पब्लिक प्लेसेस हो गया, इन सभी जगहों पर असम सरकार ने CCTV कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल शुरू हो चुकी है। 11 से 15 मार्च तक आप भी शॉपिंग पर कुछ डिस्काउंट वगैरह पा सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में निजी वाहन अभी स्क्रैप नहीं किए जाएंगे, पंजीयन का नवीनीकरण भी किया जा सकेगा। क्योंकि हाल ही में सरकार ने अप्रैल से जो वाहन स्क्रैप करने की घोषणा की थी ना, तो फिलहाल सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट के वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा, निजी वाहनों को अभी स्क्रैप नहीं किया जाएगा, ये कहना मध्य प्रदेश सरकार का। वैसे MP से एक और अपडेट है, देखिए आप, स्पेन के विश्वविद्यालयों में होगा मध्य प्रदेश के रायसेन के सेल चित्रों का अध्ययन। कि ये चित्र कब बनाए गए, किसके लिए, क्या इनका मतलब है वगैरह वगैरह, इनकी स्टडी अब स्पेन की यूनिवर्सिटी में की जाएगी, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, महापंचायत में बोले राकेश टिकैत किसानों के नेता कि CM महात्मा झूठ नहीं बोलेंगे, फ्री बिजली का था वादा तो मीटर भी नहीं लगने देंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान भाई लोगों ने महापंचायत की, और इन्होंने 20 मार्च को तो दिल्ली कूच की भी घोषणा कर दी, मैंने आपको बताया था। अच्छा टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, व्हाट्सएप पर जल्दी एक नया ग्रुप फीचर मिलेगा आपको, जिससे ग्रुप एडमिन को ज्यादा पावर मिलेगी। और वो फीचर ये दोस्तों कि अगर कोई यूजर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करेगा ना, तो उसे पहले एडमिन अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे सिंपल फेसबुक में होता ना, अपन फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजते हैं, एडमिन अप्रूव करता है, फिर आप उस ग्रुप के मेंबर बनते हो, उससे जुड़ते हो, राइट। तो इस तरह का फीचर जल्दी फेसबुक जैसा व्हाट्सएप में भी आपको देखने मिलेगा। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ में भी पब्लिक सर्विस से जुड़े सभी वाहनों में 31 मार्च तक पैनिक बटन लगवाना जरूरी होगा, और ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना भी अनिवार्य होगा। जितने भी यातायात के सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा वगैरह, सभी में 31 मार्च तक पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य होगा, है ना। अच्छा अमेरिका में देखिए, बड़ी उथल फुथल से मची हुई है दोस्तों। US का सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने के कगार पर है। लगातार घाटे और फंडिंग न मिलने से इस बैंक के शेयर भी 60% तक गिरे, और अमेरिकी इतिहास में बैंक डूबने का यह दूसरा सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है। दिवालिया हो चुका अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक। सवाल ये कि क्या 2008 वाले दिन देखेगी दुनिया, क्योंकि 2008 के बाद ये सबसे बड़ा बैंकिंग संकट आया है, और अमेरिका के इस बैंकिंग संकट का असर दुनिया भर के कई देशों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस डूबते बैंक को भी ट्विटर के CEO एलन मस्क ने खरीदने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि मैं इसे खरीदना चाहता हूं, ऑफर भी दिया इन्होंने तो। अच्छा हमारे भारत के स्टॉक मार्केट पर अपडेट आ रहा है, इक्विटी फंड में निवेश पिछले 9 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15,686 करोड़ आए, जो कि जनवरी से भी 25% ज्यादा है। वैसे दोस्तों अगर आप भी शेयर मार्केट के बारे में जानकारियां देखने, निवेश करने के इंटरेस्टेड हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस के लिए जानी जाती है। हाल ही में इस कंपनी ने दो बड़ी डील की है। देखिए आप, अभी कुछ दिनों पहले जनवरी में विकास लाइफ केयर ने FMCG क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोहिनूर फूड्स लिमिटेड के साथ 250 करोड़ का एक्विजिशन करने की घोषणा की है, और इस अधिग्रहण से विकास लाइफ केयर अपने FMCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी, और कंपनी को उम्मीद है कि इससे कंपनी के उद्योग मैट्रिक्स में भी स्थिति मजबूत होगी। और इसके अलावा हाल ही में 7 मार्च को विकास लाइफ केयर लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी जेनेसिस गैस ने भी भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्मार्ट मीटर प्लांट स्थापित करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ 110 करोड़ रुपए का जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के हिसाब से IGL और जेनेसिस की इक्विटी भागीदारी 51:49 के अनुपात में होगी। वैसे ये विकास लाइफ केयर एक डेब्ट फ्री कंपनी है, और FII भी लगातार अपना स्टेक विकास लाइफ केयर में इंक्रीज करती रहती है। और दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। 2021 का जो रेवेन्यू था ना, वो था 75 CR, मतलब 75 करोड़, और जो 2022 में इंक्रीज होकर 295 करोड़ तक पहुंच गया, यानी ऑलमोस्ट 293% ग्रोथ रही एनुअल रेवेन्यू में। इस कंपनी की डिटेल एनालिसिस का वीडियो मैंने DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा है, उसका लिंक मैं डालूंगा नीचे, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस कंपनी का स्टॉक खरीदो, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशनल पर्पस पर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो कंपनी का न्यूज अपडेट रिसेंट डील्स रही वगैरह वगैरह। और बाकी मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी कंपनी में स्टॉक में निवेश करो ना, तो उसकी रिसर्च आप अपने लेवल पर करो, अपने खुद के लेवल पर एनालिसिस करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी राय लो, उसके बाद ही निवेश करो, पर्टिकुलर यही नहीं किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। और वैसे मार्केट की बात हो रही, तो चलिए मार्केट के कुछ और अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से। देखिए इंफोसिस के प्रेसिडेंट मोहित जोशी का इस्तीफा, टेक महिंद्रा के अगले MD और CEO होंगे ये, 20 दिसंबर से कमान संभालेंगे। और वहीं अंबुजा सीमेंट में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है अडानी कंपनी, कर्ज चुकाने के लिए 4.5% हिस्सेदारी बेचकर 3700 करोड़ रुपए जुटाएगा अडानी ग्रुप। अच्छा खेल समाचार पर खबर देखिए, वुमेन्स प्रीमियर लीग में 10 विकेट से जीती दिल्ली कैपिटल्स, 7 ओवर में हासिल किया 106 का टारगेट, सैफ अली की 50 और केप को 5 विकेट मिले। और इधर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का तीसरा दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा, गिल की सेंचुरी
पर कोहली की तालियां बजी, विराट की 50 देखने को मिली, किशन ने हाथ जोड़े, DRS लेने पर कंफ्यूज हुए स्मिथ। ये कुछ क्रिकेट के खास मोमेंट्स रहे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान रोडवेज पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। अब आप राजस्थान रोडवेज में बसों में सफर करते दौरान ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। और वहीं राजस्थान की धरती अब प्यासी नहीं रहेगी। गहलोत सरकार ने 14,200 करोड़ रुपए की एक नई परियोजना को मंजूरी दे दी है। दरअसल राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इससे कई जिलों के किसान भाइयों को सिंचाई का पानी मिल पाएगा। हालांकि नए जिले बनाने को लेकर राजस्थान में अभी कोई प्लान नहीं है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया, अब सितंबर में आएगी रिपोर्ट इस पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का सरकार से टकराव टला। परिवहन मंत्री के साथ 3 घंटे मीटिंग की हरियाणा के कर्मचारियों ने। पे स्केल बढ़ाने समेत 8 मांगों पर सहमति भी बनी और वो कौन कौन सी मांगे हैं जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा वही बड़ी खबर है दोस्तों, 2 अप्रैल को बिहार आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 35 दिन में उनका यह दूसरा दौरा होगा। सासाराम और नवादा में सभा करेंगे। बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के निकायों को बांटे 1,000 करोड़ रुपए। रायपुर निगम को 100 तो भिलाई को 60 और बिलासपुर को मिले 50 करोड़ रुपए। अलग अलग कामों के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से यह धनराशि जारी की गई है। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, पंजाब की एक्साइज पॉलिसी में सरकार ने राहत दी है। बार जो शराब दारू वाइन के जो बार होते हैं उन पर वेट सरचार्ज को 3% घटा दिया है और L50 परमिट के नियमों को भी बदला है। 1,004 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू का टारगेट है इस बार पंजाब सरकार का आबकारी नीति से। अच्छा बड़ी खबर देखिए, झारखंड के गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूलों की सुरक्षा का ऑडिट होगा। स्कूलों में लैंडलाइन फोन लगाए जाएंगे जिनका टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। स्कूलों में प्रवेश के लिए एक नई SOP यानी गाइडलाइन भी बनाई जाएगी। और देखिए लड़कियों के लिए झारखंड सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए हैं। 300 करोड़ रुपए से राज्य की लड़कियों का डेवलपमेंट होगा। 19 साल की उम्र तक लड़कियों को मिलेंगे 40,000 रुपए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत झारखंड सरकार ये मदद देगी लड़कियों को। वही देखिए, झारखंड में 1400 केंद्रों में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। 14 मार्च से बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। 2 परीक्षाओं की तारीख में बदलाव भी हुआ, तो आप ऑफिशियल शेड्यूल झारखंड शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के 50,000 घरों को मिलेंगे पानी के कनेक्शन। जून महीने तक हर घर में नल होगा, ये कहना है हिमाचल प्रदेश सरकार का। अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने भी 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्कू ने एक और बड़ा फैसला लिया, वो रोजाना जनता से मिलेंगे। उन्होंने अपनी मुलाकात का समय भी तय कर दिया है और ओक ओवर में मंगलवार और शुक्रवार को जनता से बातचीत करेंगे CM सुक्कू, सुखविंदर सिंह सुक्कू। टाइमिंग देखिए आप, मुख्यमंत्री रोजाना शाम को 6 से 7 बजे तक राज्य सचिवालय में 2 बार जनता से मिल पाएंगे, सप्ताह में 2 बार है ना। अच्छा किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, इस राज्य में जमीन नहीं होगी नीलाम, सरकार एक नया एक्ट लेकर आ रही है। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया। बैंकों का लोन नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन भी अब नीलाम नहीं की जाएगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार जल्दी फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट लेकर आ रही है। ये वाकई में बहुत अच्छी पहल होगी किसान भाई लोगों के लिए। अच्छा चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए अब ओलों के साथ बेमौसम बरसात की मार झेलेंगे उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की अभी भी चेतावनी है। हालांकि 3 तटीय राज्यों में लू चलने की भी उम्मीद है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जगहों पर आज आंधी बारिश ओले गिरने की चेतावनी है। इसके अलावा गोवा, कोंकण और गुजरात के तटीय इलाकों में लू चलने का पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विभाग ने। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में आज से आंधी बारिश का अलर्ट है। देखिए हिमाचल में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी, 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है। 16 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा, इसके चलते शिमला, मंडी, कुल्लू जैसे जिलों में येलो अलर्ट है। झारखंड, रांची में भी बारिश और ओलावृष्टि ने बदला मौसम का मिजाज। आज भी 13 जिलों में मेघ बरसने की संभावना। और देखिए आप सिक्किम में कितना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा, 900 टूरिस्ट भारी स्नोफॉल में फंस गए। और केरल में अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। देखिए आप केरल में 54 डिग्री जैसी गर्मी पड़ रही है। मार्च में तापमान 50 डिग्री के पार जाने की संभावना है। अभी से लू चलने लगी है, हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ गया केरल में। अच्छा भाई राजस्थान में भी अगले 3 दिन ओले बारिश की चेतावनी है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग में फिर से बदलेगा मौसम, गरज चमक के साथ बरसात का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम अब खत्म हो गया, 3 दिन गर्मी पड़ेगी और 14-15 मार्च को फिर एक्टिविटी ओले बारिश आंधी की देखने को मिलेगी। तो ये रहे आज के मौसम अपडेट। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों सप्ताह भर के सोना चांदी के भाव में आपको बता देता हूं। इस सप्ताह सोने चांदी में बड़ी गिरावट आई है, सोना 56,000 और चांदी 62,000 के नीचे आई है। और बेसिकली अभी 11 मार्च तक का रेट क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सोना 55,669 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,791 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी सोने का रेट आप देख सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है CSIR UGC नेट एग्जाम को लेकर, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 10 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे, 6 से 8 जून तक होगा एग्जाम। वही देखिए बड़ी खबर, चारधाम यात्रा से पहले इस बार सावधान हो जाएं, मोबाइल नेटवर्क आपको परेशान कर सकता है क्योंकि कुछ रूट पर कनेक्टिविटी की दिक्कत रहेगी। साथ ही खबर है दोस्तों आपके हेल्थ को लेकर बड़ी अच्छी गुड न्यूज देखिए, अब बिना दर्द जले कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों को इस संबंध में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुनीश पांडे ने अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी और उन दवाओं का विकल्प खोज लिया जो इस जानलेवा बीमारी के लिए इलाज के दौरान कैंसर सेल्स के साथ सामान्य सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये एक बेहतर तरीका होगा, कहने का मतलब कुल मिलाकर के कैंसर के इलाज का, है ना। वहीं बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का आज उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नगर आयुक्त ने इसका निरीक्षण भी किया। अच्छा यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला देखिए, कांटेदार अब
नहीं कर सकेंगे राशन में गड़तोली। अनाज तोलने वाली मशीन से जुड़ेगी E5 मशीन ताकि वजन में भी गड़बड़ी नहीं की जा सकेगी। वहीं यूपी के 93 अस्पतालों को मिला NQAS प्रमाण पत्र। पहली बार 46 जिला अस्पतालों को यह प्रमाण पत्र मिला है। डिप्टी सीएम ने बधाई भी दी। बड़ी खबर है, अब रेलवे की तरह उत्तर प्रदेश रोडवेज भी यात्रियों को उपलब्ध कराएगा मनपसंद खाना। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर पाएंगे। जल्द ही यूपी रोडवेज की बसों में ये नई फैसिलिटी शुरू होने जा रही है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, झारखंड की पंचायतों में बिना फार्मासिस्ट के दवा की दुकानें खोल पाएंगे। युवाओं को सरकार प्रशिक्षण देगी और आर्थिक सहायता भी देगी। ग्रामीण इलाकों में युवाओं को रोजगार देने के मकसद से झारखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। पंचायतों में दवा दुकान खोलने के लिए 5 अप्रैल तक मुखिया या पंचायत सचिवों के माध्यम से आवेदन भी मांगे गए। अच्छा वही खबर है दोस्तों की, अभिनेत्री पारुल गुलाटी को शार्क टैंक से मिला 1 करोड़ रुपए का चेक। ये निश शेयर के नाम से एक कंपनी चलाती है। इन्होंने इंस्टाग्राम पर चेक मिलने की जानकारी भी खुद दी है। पारुल की कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ लगाएगी और इन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया 2% इक्विटी के बदले। हाल ही में ये शार्क टैंक सीजन 2 में गई थी। इनका अपना खुद का नकली हेयर का बिजनेस है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, भारत ने सऊदी अरब के नागरिकों के लिए ई वीजा सेवाओं को किया बहाल। साल 2019 में शुरू हुई थी ये सेवाएं। वो देखिए, मध्य प्रदेश के सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी है। बाल आशीर्वाद योजना में अब बिना माता पिता के सभी बच्चों को 4,000 रुपए की हर महीने की पेंशन दी जाएगी। वही देखिए अगला अपडेट, उबर ने लॉन्च किया नया उबर रिजर्व फीचर जिसमें आप 90 दिन पहले ही कैब बुक कर पाएंगे। बड़ी खबर है, बिहार में मिलेगी घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता। सरकार ने विभागों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो कुल मिलाकर के घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए ना। अच्छा वहीं हिमाचल प्रदेश में बाहरी वाहनों की एंट्री अब महंगी हो गई है। नए रेट 1 अप्रैल से लागू होंगे। 250 क्विंटल या इससे ज्यादा के भारी वाहन के टोल टैक्स के रूप में 600 रुपए ज्यादा वसूले जाएंगे। वही देखिए, अब कारों में भी आपको जल्द ही चैट जीपीटी देखने को मिलेगा। एडवांस AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से कार मैनुअल में मौजूद फीचर्स और दूसरी चीजों की जानकारी आप चैट जीपीटी के जरिए पा पाएंगे है ना। बड़ी खबर देखिए, POK में पाकिस्तान ने महिलाओं के लिए तालिबानी आदेश जारी कर दिया। स्कूल में छात्राओं और महिला टीचर्स के लिए शिक्षकों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया। मतलब देखिए, जहां एक तरफ पाकिस्तान पहले से ही कंगाल हो रहा, बर्बाद हो रहा, अभी भी इस तरह के आदेश जारी कर रहा है। और खबर तो ये भी दोस्तों कि पाकिस्तान के नेशनल डे परेड पर भी कंगाली का असर देखने को मिलेगा। परेड लॉन में होगी, पाकिस्तान नहीं आएंगे विदेशी मेहमान, ये हालात चल रहे हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, विश्व वानिकी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका मकसद है राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। और किसान भाई लोगों के लिए अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, इससे देश के करोड़ों किसानों को ये फायदा मिलेगा। दरअसल कृषि मंत्रालय ने कहा कि फलों और सब्जियों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ड्रैगन फ्रूट, आम और सब्जियों और फूलों के लिए बंगलुरु, जयपुर और गोवा में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने अब 49 COE को मंजूरी दे दी है, जिनमें से 3 को मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए 9 मार्च को ही मंजूरी दी गई। तो ये एटलीस्ट किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, इससे उनकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में अभी सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, देखिए, नहरें, कुएं, नलकूप या तालाब। विच इज राइट ऑप्शन ABCD, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।